हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सहसंबंध, कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारा बिजनेस स्टेटिस्टिक्स पेपर से संबंधित है, जो हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट में चलता है और एमकॉम प्रीवियस में भी चलता है। ठीक इसी प्रकार से सीए की जो फाउंडेशन एग्जाम है उसमें भी ये टॉपिक चलता है। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है सहसंबंध गुणांक अर्थात कोरिलेशन। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये सहसंबंध क्या है, इसका क्या मीनिंग है। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, सहसंबंध अर्थात ये किसी प्रकार के संबंध को प्रकट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो श्रेणियों अथवा समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध है तो उसे सहसंबंध कहते हैं। अर्थात हमारे पास कोई कारण हो और उस कारण का क्या परिणाम हो, तो जहाँ कार्य और कारण, या हम बात करें कि जहाँ एक कारण हो एक परिणाम हो, ऐसा संबंध कोई है तो हम सांख्यिकी में उसको सहसंबंध के नाम से जानते हैं। वेन एवर सम डेफिनेट कनेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन द टू और मोर ग्रुप्स क्लासेज और सीरीज ऑफ डेटा देयर इज सेड टू बी कोरिलेशन। अर्थात जब कभी दो या अधिक समूहों, वर्गों अथवा समग्र श्रेणियों में सुनिश्चित संयोग विद्यमान हो तो उन्हें सहसंबंध होना कहा जाता है। एक परिभाषा में और बता रहा हूँ, किसी समग्र श्रेणी के परिवर्तन दूसरी समग्र श्रेणी के परिवर्तनों से प्रभावित हों या आश्रित हों तो इस पारस्परिक आश्रितता को ही सांख्यिकी की भाषा में सहसंबंध कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज हैं, एक सीरीज हमारी स्वतंत्र है और एक सीरीज हमारी उस पर आश्रित है, तो स्वतंत्र श्रेणी का प्रभाव अगर आश्रित पर पड़े, अर्थात एक कारण हो गया और एक परिणाम हो गया, तो ऐसा संबंध यदि हमें किसी भी श्रेणी में मिलता है या श्रेणियों में मिलता है तो हम उसको सहसंबंध के नाम से जानते हैं। तो जिस मैंने आपको बताया कि हाँ, कारण और परिणाम, तो कारण क्या है और परिणाम क्या है आपको समझना जरूरी है। जैसे आय में परिवर्तन कारण है, तो आय में अगर परिवर्तन कारण है तो प्रभाव क्या होगा, प्रभाव हमारी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारा प्रभाव है। वाहनों की संख्या कारण है तो दुर्घटनाएं इसका प्रभाव है। मूल्य वृद्धि यदि कारण है तो मांग में कमी प्रभाव है। हम कह सकते हैं वर्षा कारण है तो कृषि उत्पादन प्रभाव है। तो हम कह सकते हैं एक कारण है, एक उसका प्रभाव या उसके ऊपर आश्रितता है, तो वो सहसंबंध कहलाते हैं। तो ये तो था हमारे सहसंबंध की परिभाषा, अर्थात कारण परिणाम का संबंध। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अर्थात सहसंबंध के टाइप्स क्या क्या हैं, ये अपने को विशेष रूप से समझना है, प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला है धनात्मक या ऋणात्मक, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। अब पॉजिटिव क्या है समझिए आप, जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो और एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी हो, तो ऐसे सहसंबंध को हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ना, पिता की आयु बढ़ने से पुत्र की आयु बढ़ना, अधिक विनियोग करने पर अधिक लाभ होना, अधिक ब्याज मिलना, तो ये धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। अब आता है ऋणात्मक सहसंबंध। तो ऋणात्मक क्या है, जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो अथवा एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि हो, तो ऐसे सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध के नाम से जानते हैं। अर्थात एक्स सीरीज बढ़े तो वाई घटे, या एक्स सीरीज घटे तो वाई सीरीज बढ़े, अगर ऐसा है तो ऋणात्मक है। उदाहरण के रूप में मूल्य बढ़ने पर मांग कम होना, या मूल्य कम होने पर मांग बढ़ना, आयु के बढ़ने पर आंखों की रोशनी घटना, मूल्य तथा मांग में आपने देखा और आयु और आंखों की रोशनी में ऋणात्मक सहसंबंध है। दूसरा आता है साधारण आंशिक व बहुगुणी सहसंबंध, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दो चरों के बीच में सहसंबंध को साधारण या सरल सहसंबंध के नाम से जानते हैं। इनमें अनाश्रित चल को आधार चल और आश्रित चल को संबद्ध चल मानकर सहसंबंध ज्ञात करते हैं। अर्थात एक चर होता है हमारा अनाश्रित अर्थात स्वतंत्र, और एक होता है आश्रित। तो हम स्वतंत्र को हम x लेंगे और उसका प्रभाव जो आश्रित है वो y सीरीज के रूप में हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं।
दूसरा आता है आंशिक सह संबंध और बहुगुणी सह संबंध। तो ये क्या है ये भी समझिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां कई स्वतंत्र चल एक आश्रित चल को प्रभावित करते हों, किंतु हम उनमें से एक का या कुछ का ही प्रभाव ज्ञात करें, तो आंशिक सह संबंध कहलाता है। और ठीक इसी प्रकार से जब दो से अधिक मूल्यों के बीच सह संबंध या सह विचरण ज्ञात करना हो, तो उसे बहुगुणी सह संबंध कहते हैं। एक आश्रित चल पर अनेक स्वतंत्र चरों का प्रभाव अगर हम देखें, जैसे आश्रित चर तो एक है, स्वतंत्र चर अनेक हैं, तो उनका प्रभाव देखें तो बहुगुणी सह संबंध कहलाता है। तो आंशिक और बहुगुणी सह संबंध एमकॉम अकाउंटेंसी की एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है, जिसको आपको एमकॉम के विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से तैयार करना है, और बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए साधारण सह संबंध है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेखीय व वक्र रेखीय सह संबंध, लीनियर और कर्व लीनियर सह संबंध। ये क्या है ये समझिए। जब दो चलों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के मध्य दूरी स्थिर है, तो वह सह संबंध रेखीय सह संबंध होता है और ग्राफ पेपर पर एक सीधी रेखा के रूप में आता है। जैसे मैं आपसे कहूं, यदि आय में 100 रुपये की वृद्धि होती है और बचत में 40 रुपये बढ़ते हैं, और ये हर 100 रुपये की वृद्धि पर 40 रुपये बचत होती है, तो रेखीय सह संबंध कहलाएगा, क्योंकि हमारा अंतर है वह है समान है, स्थिर है। एक होता है वक्र रेखीय सह संबंध। जब हम इसको इस रूप में कहें, जब दो चलों में परिवर्तन का अंतर बदलता रहता है अर्थात अस्थिर होता है, जैसे प्रत्येक बार मैं आपसे कहूं कि 100 रुपये की आय बढ़ने पर पहली बार में 40 रुपये की बचत होती है, दूसरी बार में 20 रुपये की बचत होती है, तीसरी बार में 50 रुपये की बचत होती है, तो अंतर हमारी वेरिएबल हो तो कर्व लीनियर सह संबंध कहलाता है, वक्र रेखीय सह संबंध कहलाता है। तो सह संबंध के टाइप्स हो गए धनात्मक और ऋणात्मक, साधारण आंशिक व बहुगुणी, रेखीय और वक्र रेखीय। अब हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सह संबंधों का परिमाण, अर्थात सह संबंध कितनी मात्रा में है ये हमें देखना होता है। पहला है पूर्ण सह संबंध अर्थात परफेक्ट कोरिलेशन। तो विद्यार्थियों आपको पता होना जरूरी है कि हमारे सह संबंध की मात्रा कितनी है। यदि दो चर मूल्यों में परिवर्तन समान अनुपात में हो, तो उसे पूर्ण सह संबंध कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप सह संबंध का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर या तो प्लस एक आएगा या फिर माइनस एक आएगा, न प्लस एक से ज्यादा न माइनस एक से कम, तो परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। दूसरा आता है सीमित सह संबंध। तो आपसे पूछ लेंगे सीमित सह संबंध क्या है, तो बताएंगे जब दो चर मूल्यों में न तो पूर्ण सह संबंध है और न ही सह संबंध का अभाव है, अर्थात हमारा सह संबंध 0 व 1 के बीच में हो, तो वो सीमित सह संबंध के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं वो सीमित मात्रा में होता है। इसकी तीन कैटेगरी होती है, उच्च, मध्यम और निम्न, अर्थात हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन एंड लो कोरिलेशन। तो ये हाई, मॉडरेट और लो क्या है ये भी हमें समझने हैं। तो पहला है हाई डिग्री कोरिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, जब दो चर मूल्यों में सह संबंध पूर्ण तो नहीं है, अर्थात प्लस एक और प्लस माइनस एक तो नहीं है, पर काफी मात्रा में अधिक है, तो उच्च सह संबंध कहलाता है, अर्थात 0.75 से अधिक और 1 से कम इस रेंज में आए तो उच्च डिग्री होता है। दूसरा होता है मध्यम डिग्री। अगर हमारा सह संबंध गुणांक 0.25 या उससे अधिक और 0.75 से कम होता है तो मॉडरेट सह संबंध कहलाता है, और अगर हमारा सह संबंध 0 से बड़ा लेकिन 0.25 से कम हो तो वह लो डिग्री कोरिलेशन कहलाता है। तो मैंने इसके तीन डिग्री की एक चार्ट के द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है सह संबंध का अभाव, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। हम ये कहें कि हमारी दोनों श्रेणियों में किसी प्रकार का कोई संबंध यदि आपको नजर नहीं आए, तो हम कहते हैं सह संबंध की अनुपस्थिति है, अर्थात सह संबंध का अभाव है, किसी प्रकार का कोई सह संबंध हमारी श्रेणियों में नहीं है, तो हम उसको सह संबंध के अभाव के नाम जानते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप सोल्व करें और आपका आंसर एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो आपको कहना है सह संबंध का अभाव है। तो हमारी डिग्री ऑफ कोरिलेशन को हम एक तालिका के द्वारा समझना चाहते हैं। देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सबसे लिखा हमने परिमाण, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैसा सह संबंध है। अगर परफेक्ट की बात करें, अगर आपने कोई सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर प्लस एक आया, तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर आपका आंसर माइनस एक आ जाए तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक स्टूडेंट्स, आपका आंसर अगर प्लस में 0.75 उससे ज़्यादा लेकिन प्लस एक से कम आए,
तो कहलाएगा ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर आपका सॉल्यूशन -75 और -1 के बीच में आता है तो हम कहेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। अगर आपका आंसर 0.25 व 0.75 के बीच आता है प्लस में तो वो कहलाता है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर माइनस के 0.25 और माइनस के 0.75 के बीच आता है आपका आंसर तो वो कहलाता है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, अर्थात मध्यम मात्रा में ऋणात्मक सहसंबंध। अगर हमारा सॉल्यूशन 0 से बड़ा और प्लस के 0.25 से छोटा आता है तो हम कहते हैं लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर 0 से कम और 0.25 माइनस के बीच में आता है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। और हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें हमारा आंसर अगर 0 आ जाए तो हम कहेंगे अबसेंस ऑफ कोरिलेशन, अर्थात सहसंबंध का अभाव है। तो इस तालिका के आधार पर हम हमारा निष्कर्ष बता सकते हैं सहसंबंध कितना होगा। आप विद्यार्थियों के बस ध्यान रखिए कभी भी सहसंबंध का कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो +1 से बड़ा आंसर अगर आ रहा है तो समझिए आपसे गलती हो गई है, और -1 से छोटा आंसर आ रहा है तो भी आपकी गलती हो गई है। हमें हमारे सॉल्यूशन को फिर पुनः चेक करना होगा, ये ध्यान रखना है। सहसंबंध ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं जो मैं यहां बता रहा हूं आपको। एक है विक्षेप चित्र जिसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम, एक है रेखा चित्र विधि जिसको हम कहते हैं ग्राफिक मेथड, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन की क्रमांतर या कोटि विधि रैंक कोरिलेशन, संगामी विचलन रीति कॉनकरेंट डेविएशन मेथड, और न्यूनतम वर्ग रीति मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर्स। ये 6 मेथड सहसंबंध से संबंधित हैं। हम एक एक करके एक एक लेक्चर में इन सभी मेथड्स को समझना चाहेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जहां हम बात करना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध और स्पीयरमैन की क्रमांतर रीति। ये दो कोरिलेशन तो ऐसे हैं जो आपको 100% आने चाहिए, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन मेथड। एक मेथड हमारा है लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो ये खास करके रिग्रेशन जब हम याद करेंगे प्रतिगमन तो हम इसको वहां पढ़ेंगे, वहां इसको समझना है। तो ये 6 मेथड हैं। तो मेरे अगले लेक्चर्स में मैं आपको 1 बाय 1 सभी मेथड्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरे लेक्चर्स आप वॉच करते रहिए। अब कंटिन्यू आपको बिजनेस स्टेट्स के लेक्चर मिलेंगे सहसंबंध से संबंधित। तो जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी हैं और जो एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थी हैं इन लेक्चर्स को अवश्य सुने, और जो सीए फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS E Classes के नाम से है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।